सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में गाइज मैं आपको बता लूँ कि जब गाइज आप फोन पे के थ्रू कहीं पैसा भेज रहे हैं तो यहाँ पे गाइज आप जो पेमेंट है यहाँ पे इस तरह से फेल हो जा रहा है और फाइनली गाइज आपके सामने अकाउंट रिलेटेड इशू का यहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रहा है और फाइनली गाइज यहाँ पे जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली गाइज इस वीडियो में आपको यही दिखा लूँ कि यहाँ पे जो इशू आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू का, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि गाइज यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए और फाइनली आपको जो पेमेंट है वो यहाँ पे फेल ना हो और सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाए। तो और गाइज आप वाकई में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रॉपर वीडियो पे आए हैं, तो सिंपली गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज अब चलिए बताता हूँ कि कौन सा एज स्टेप है जिसको फॉलो करके गाइज आप बहुत जल्दी अपने फोन पे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो फाइनली गाइज चलिए यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ। सॉरी गाइज, अभी यहाँ से आपको एग्जिट नहीं होना, सिंपली गाइज आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब देखिए, जैसे आप बैक आ जाते हैं तो आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, बैंक अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी क्या यहाँ पे आप जिस भी खाते से पैसा कटा करके भेज रहे हैं तो आपके जिस भी खाते में ये इशू आ रहा है तो भी आप क्या करेंगे, उस बैंक को यहाँ चूज करेंगे। अब देखिए, जैसे आप बैंक पर क्लिक करेंगे तो सिंपली गैज आप यहाँ नीचे आएंगे। अब गैज आप यहाँ इसको स्टार्ट करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर गैज आपको एक ऑप्शन का अनलिंक बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब सिंपली गैज आप यहाँ अनलिंक पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गैज यहाँ पे देखिए आपका जो बैंक अकाउंट होगा और यहाँ पे देखिए अनलिंक सक्सेसफुल हो जाएगा। अब गैज चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी गैज आपको इस एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाना है। अब देखिए गैज आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में ये जो फोन एप्लीकेशन है इसको आप यहाँ से प्रेस करके रखें 2-3 सेकंड के लिए और यहाँ पर गैज आपको डिलीट आइकन मिलेगा तो आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर गैज आपको डायरेक्टली अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाएगा तो आप यहाँ अनइंस्टॉल करेंगे। तो मिला जुला के गैज आपका जो फोन एप्लीकेशन है इसको सबसे पहले अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। अब देखिए गाइज एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो अब गाइज आपको आगे क्या करना है चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली गाइज अब आपको क्या करना है, अभी गाइज आप जो वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइज जैसे आप यहाँ टाइटल पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो अभी गाइज यहाँ पे आपको फोन पे का लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली गाइज आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब देखिए लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पर यहाँ रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है तो आपको इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। अब सक्सेसफुली जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको ओपन करेंगे। अब देखिए जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह से एप्लीकेशन ओपन होगा, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप फोन पे में अपने जिस भी बैंक को ऐड करेंगे तो आपके उस बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर जैसे इंटर कर देंगे तो अब गाइज आप यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपके फोन पे का पासवर्ड पूछा जाएगा, तो अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यहाँ एंटर करेंगे। बट गाइज अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइज आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे लॉग इन विद ओटीपी वाला। अब सिंपली गाइज आपके इस नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी हो जाएगा। अब गाइज ऑप्शन परमिशन आएगा तो आप यहाँ पर सभी परमिशन को स्टेप बाय स्टेप अलाउ करेंगे। अभी यहाँ पे दोबारा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ करेंगे। अब गाइज आप यहाँ स्किप पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली गाइज देखिए आपके सामने आपके फोन एप्लीकेशन का जो होम डैशबोर्ड होगा देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइज आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था अकाउंट रिलेटेड इशू, तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है उस बैंक को यहाँ पे ऐड करना है। तो भी गाइज यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का, तो या तो आप यहाँ क्लिक करेंगे या फिर सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल आइकन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन का बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फोन पे में सभी बैंक की लिस्ट ओपन करके आ जाएगी। अब गाइज यहाँ से आप जिस भी बैंक को ऐड करना चाहते हो वो बैंक आप यहाँ चूज करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ से आपको जिस बैंक के साथ इशू आ रहा था उस बैंक को आप यहाँ चूज करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे देखिए जियो पेमेंट्स बैंक है, तो चलिए इसको मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल यहाँ से फाइंड की जा रही है। अब देखिए सक्सेसफुली यहाँ से मेरा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब गाइज जैसे ही आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है तो अगर गाइज आप यहाँ पे पहली बार बैंक ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे गाइज आपको ऑप्शन का सेट यूपीआई पिन का या फिर रजिस्टर यूपीआई पिन का, तो आप यहाँ क्लिक करके यूपीआई पिन सेट कर लेंगे या फिर सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बैंक आएंगे। अब देखिए जैसे आप यहाँ बैंक आएंगे तो सिंपली गाइज अभी आप जो बैंक ऐड करेंगे वो बैंक यहाँ से होगा, तो आप इस बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक करके यूपीआई पिन सेट कर लेंगे और यहाँ से गाइज जैसे यूपीआई पिन सेट हो जाएगा तो अब गाइज आपको पेमेंट करना है। अभी चलिए गाइज यहाँ से मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ और यहाँ से गाइज जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो यहाँ पर सॉल्व हो गया होगा। तो अब देखिए गाइज आपको फोनपे के होम इंटरफेस में आ जाना है और यहाँ से गाइज आपको दोबारा पैसा भेजना है। अब जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं या फिर आप जिसको भेज रहे थे जिस टाइम पे भी आपको एरर आ रहा था,
यहाँ से आप ट्रांसफर मनी वाले ऑप्शन पर 2 नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैज आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। अब चलिए गैज यहाँ पर मैं एक पर्सन को चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे गैज मैं अमाउंट को ट्रांसफर करके दिखाता हूँ और यहाँ से गैज जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर सॉल्व हो गया होगा। चलिए गैज यहाँ पर मैं किसी को चूज कर लेता हूँ, अभी यहाँ पर मैं एक पर्सन को चूज कर लिया हूँ, तो मान लीजिए चलिए मैं इस पर्सन को यहाँ पर 5 रुपीज़ एंटर करके ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 5 रुपये एंटर किया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप सिंपली गैज देखिए जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का जो भी UPI पिन उसको आप यहाँ एंटर करेंगे। UPI पिन जैसे एंटर हो जाएगा तो आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करेंगे, तो फाइनली गैज यहाँ पे देखिए मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में है। सो फाइनली गैज यहाँ पे देखिए मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो चुका और फाइनली गैज यहाँ पे देखिए जो 5 रुपीज़ है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से गैज आप बहुत जल्दी आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर गाइज आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।